हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 1C को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर तीन तक बताया था। चौथा तीसरे के जैसा ही है, तो हम लोग पाँच को देखते हैं। प्रश्न पाँच, जो पांचवा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा प्रश्नावली 1C है, प्रश्नावली 1C, ठीक। इसका पांचवा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू, इसमें दे रहा है कि 1/7 इक्वल टू कितना दे रहा है भाई? ये दे रहा है 0.142857, और पूरा ये बार दे दिया। कहने का मतलब कि 1/7 का जो मान होता है वो होता है 0.142857, और फिर दोबारा रिपीट होगा 142857, फिर रिपीट होगा 142857, ये 124857 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये 1/7 का मान दे दिया। आगे लिख रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? मतलब हमको मान निकालना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 5/7 का और 6/7 का। ये मान हम लोग हमको निकालना है, और ध्यान देना है कि हमको भाग नहीं करना है, हमको लंबा भाग नहीं करना है। 1/7 का मान इतना दिया है 0.142857, और इसकी सहायता से हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के मान हमको ज्ञात करना है, वो भी बिना लंबा भाग के। मतलब हम यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं प्रयोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो 2/7 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, ध्यान दीजिएगा, 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। देखिए 2 × 1 = 2, फिर 2/7 आपका हो जाएगा। इस 2 को हम लिख दिए हैं, आगे ले लिए हैं, और 2 के बदले में क्या है, यहाँ पर 1 है, मतलब 2 की जगह पर 1 हो गया, 1/7। आप इसको लिखेंगे 2 × 1 = 2/7 ही हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/7, बड़ी सिंपल चीज़ है, गुणा है। यहाँ लिख सकते हैं 4 × 1/7, 4 × 1 = 4, 4/7, सिंपल है। लेकिन जब हम 2 यहाँ पर लिखेंगे तो गुणे 1/7 का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.142857, ये तो दिया हुआ है, तो बस करना क्या है, 2 से गुणा कर देना है। तो 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8, और 2 × 1 = 2, दशमलव अंक के बाद 2, 2 × 4 = 2, 6 अंक के बाद दशमलव लग गया। आप पूरा पर रेकनिंग लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। देखिएगा, हम बिना भाग के इसका क्या कर दिए, आंसर ले आ दिए। यही प्रश्न में कह रहा है कि आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग के इसका उत्तर ले आना है। उसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3 × 1/7 का तो दिया ही है 0.142857, बस करना क्या है, 3 से गुणा कर देना है। तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, और 15 × 2 = 17, 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 3 × 4 = 12, और 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, दशमलव 6 अंक के बाद लगा दीजिए, हो गया। आप इसी प्रकार 4 × 1/7 कर देंगे, 1/7 का यहाँ पर मान रखेंगे और उसमें 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 × 1/7, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 × 1/7, और 1/7 का मान है, बस रखना है। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, एकदम सिंपल चीज़ है। तो हम बिना भाग किए हम लोग ये उत्तर ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 × 7 से भाग करते ना तो उत्तर यही आता, लेकिन हम यहाँ पर इसकी सहायता से बिना भाग किए इसको हम प्राप्त कर लिए। हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में ही इतना आएगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इस चीज़ को मिटा करके और भाग करके देखते हैं कि क्या वास्तव में ये आपका 2/7 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। तो 2/7 का मतलब कि हम 2 में भाग करें किस से, 7 से, तो पहले तो दशमलव लग जाएगा, तो 0 बढ़ेगा, 7 × 2 = 14, 6 बचेगा,
एक जीरो तो लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव बढ़ा दिए हैं, सात बटे छप्पन, चार बचेगा एक जीरो लगा सकते हैं, सात बचे पैंतीस, पाँच बचेगा एक जीरो लगा सकते हैं, सात सते उनचास, एक बचेगा जीरो लगा सकते हैं, सात एकने सात, तीन बचेगा जीरो लगा सकते हैं, सात चौके अट्ठाईस, दो बचेगा जीरो लगाएंगे, फिर शुरू यहीं से हो गया। तो 285714 अभी बार बार रिपीट होगा क्योंकि देखिए फिर सात दूना चौदह, फिर छः बचेगा जीरो होगा, सात आठ छप्पन, देखिए तो ये चीज़ बार बार रिपीट होने लगा, दो आठ, फिर दो आठ आ गया, फिर आगे हल करेंगे तो पाँच सात एक चार ये फिर आएगा, फिर हल करेंगे तो ये बार बार चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निक का प्रयोग करना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां में कहा है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो छठवां सवाल में क्या क्या संख्या दिया गया है, संख्या दिया गया 0.6 बार लगाया गया है, फिर दूसरा संख्या दिया गया है 0.47, यहाँ पर 7 पर बार लगा हुआ है, उसके बाद है तीसरा जो इसमें है 0.001, यहाँ पर 0.001 0.001 यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई हैं, और इन तीनों को क्या करना है, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने पिछले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को बताया है, लेकिन फिर भी हम एक बार और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 0.6 बार को हमको सॉल्व करना है, तो हम पहला यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 0.6 बार को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना 0.6 बार इक्वल टू x। अब 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6666 कहाँ तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये 6666 बार बार रिपीट होता जाएगा, और इधर आपका हो गया x। चूँकि दशमलव के बाद एक अंक पर बार है, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्ष में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव इसका एक अंक आगे चल जाएगा, तो 6.6666 इधर हो जाएगा 10x। ठीक है, इसको अलग अलग कर देंगे, 6.6 प्लस पूर्णांक को अलग, दशमलव भाग को अलग, तो 0.6666 बराबर इधर हो गया 10x। ये देखिएगा 0.66 वास्तव में ये तो x है, तो 6 प्लस है तो इसको x लिख सकते हैं, अब बराबर इधर कितना है 10x है, x को ले जाइए उधर, तो 6 बराबर 10x आई माइनस x, तो 6 बराबर हो गया 9x। ठीक है, यहाँ x बराबर हुआ 6 है, 9 चल जाएगा नीचे बटा में, 6 बटा 9, ओके, x बराबर 3 दूना 6, 3 तरीके 9, x का मान आ गया 2/3। x का मान 2/3 आने का मतलब ये है कि 0.6 बार का मतलब हुआ 2/3, मतलब ये P बटा Q के रूप में हो गया। इसका मतलब कि हम दो में अगर तीन से भाग करें तो 0.6666 बार बार आता जाएगा, देख लीजिए, तीन से भाग करें तो दशमलव लग जाएगा, 0, 3 छक 18, 2 बचेगा फिर 0, 3 छक 18, फिर 2, 3 छक 18, बार बार रिपीट होगा। इसका एक सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है ना कि दशमलव के बाद से देखिए भाई 0.6 बार है ना, 0.6 बार, तो पहले ऊपर वाला लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला लिख दीजिए, लिखा गया। और दशमलव के बाद कितना यहाँ पर अंक है, दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगाए तो 1×9 लिख दीजिए, 2 अंक पर बार लगाओ तो 2×9 लिख देंगे, अब कटा दीजिए, 3×2=6 और 3×3=9 आ गया 2/3। तो ये एक तरह समझिए तो ट्रिक का काम कर रहा है, लेकिन चूंकि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह से सब्जेक्टिव ही पढ़ना है। चलिए दूसरा देखते हैं, 0.47 बार, तो फिर से लिखेंगे, माना 0.47 बार इक्वल टू x मान लेते हैं। अब मानेंगे तो ध्यान दीजिएगा
इसका मतलब हुआ 0.4777 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, 77 रिपीट हो रहा है, इधर क्या है आपका x है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 पर बार लगा है तो 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से 4 को अलग कर रहे हैं, 0.77 को हम अलग कर रहे हैं। तो अलग करने के लिए कुछ खास तरीका नहीं है, केवल 10 से बस क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक आगे चल जाएगा, तो 4.7777 इधर हो गया आपका 10x, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, 4.0.7777 एक तरह से देखें तो ये जानते हैं क्या है, 4+0.7 बार हो गया, इक्वल टू हो गया 10x, ठीक है। अब इस 0.7 बार का फिर आपको मान निकालना पड़ेगा, और मान निकाल के यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तब 10 को भेजेंगे नीचे, तब ना x का मान निकलेगा, और वो जो x का मान होगा वो हमारा 0.7 बार का वैल्यू होगा। तो फिर हमको इस 0.7 बार को हमको हल करना पड़ेगा, तो 0.7 बार को हल करेंगे तो 7/9 आएगा, इसी के जैसा 7/9 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर 6 है तो 6/9 आया है, यहाँ पर 7 है तो 7/9 आएगा, सिंपल एकदम है, 6 है तो 6/9, 7 आता है तो 7/9। अब इसी के जैसा फिर इसको हल जब करेंगे हम चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अगर आपको लिखना होगा तो आप हल करके लिखेंगे जैसे ये लिखा गया, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे कि आप इसको अब y मानेंगे, ठीक है, इसको y मानेंगे, फिर आप लिखेंगे 0.7777777 बराबर y, फिर 10 से गुणा करेंगे तो 7+0.77, ये सब सारी प्रोसेस होंगी, और 0.7 का मान आ जाएगा 7/9, ठीक है। तो 4 समीकरण एक से 4 तो ठीक है, आप प्लस 0.7 के बदले में कितना आ गया, 7/9 आ गया, इधर कितना है आपका 10x है। अब ये वाला काम आप ऐसे कर लेंगे क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने में समय जो है व्यर्थ होगा, तो हाँ 4+0.7 बार के बदले में 7/9 हो गया। अब देखिए अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 × 4=36, 36 और 7 43, 9 × 4=36, 36 और 7 हो जाता है आपका 43 43/9, और इधर हो गया 10x। अब आपको x का मान निकालना है तो 10 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 43/9 है और नीचे चल गया 10, इधर हो गया x, तो x का मान आ गया 43/10/90, ये वैल्यू हुआ हमारा x का, मतलब कि जो आपका 0.47 बार है इसका मान कितना आ गया, तो 43/90। अगर आप 43 में 90 से भाग करेंगे तो 0.47 उस पर बार लगेगा, 7 7 7 7, ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, तो ये हमारा p by q के रूप में हो गया। अब जो तीसरा है 0.001, तो इसको लिखने के लिए फिर से मानेंगे, फिर से मानेंगे 0.001 बार इक्वल टू एक्स, ठीक है। ट्रिक का अगर हम प्रयोग करें तो 0.001 है ना, लिख देंगे तो 0, 1 के पहले 0 है ना, तो छोड़ दीजिए 1 की ओर लिखिए, अब बटा कितना इस पर, कितने अंक पर बार लगा है, 3 अंक पर, तो 3 × 9 लिख दीजिए, हो गया मान 0.001 का मान हो गया 1/999, अंक लिख दीजिए पूरा 1 हो गया, और 0.9 के बाद जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतना 9 लिख देना है, सिंपल है, 1/999 हो गया। लेकिन इसको जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाएं, देखिए इसको रिपीट, इसको लिखिए 0.001, फिर से 001 001, यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, इधर हो गया x, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे
तो इस काम को क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। प्रसार तो बहुत दूर तक होगा, तो हम डॉटेड लाइन लगा के लिख देंगे, बाकी आगे एक्स हो गया। इसमें दशमलव के बाद देखिएगा तीन अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम इसमें तीन जीरो वाला संख्या से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो तीन जीरो वाला से गुणा कर रहे हैं, तो दशमलव तीन अंक चल जाएगा आगे। तो जैसे ही दशमलव तीन अंक आगे गया, तो दशमलव आ गया यहाँ पर, अब आगे का दो गो जीरो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब केवल बचा यहाँ पर 1.001, फिर 001, फिर 001, यही तो बार बार बचेगा। आ इधर 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद जितने अंक पे बार लगा होता है उतना जीरो वाला संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम क्या किए थे, 10 से गुणा करके पहले 4 को अलग किए थे, उसके बाद हम क्या किए, 7 को हल किए थे। अगर दशमलव के बाद यहाँ पर दो अंक रहता, 0.256 पर बार लगा होता, तो हम यहाँ पर पहले इस 25 को अलग कर लेते, फिर 6 बार को हम लोग अलग से हल करते, ठीक है। तो अब इसको अलग किया जाए, 1+ लिख देते हैं, बाकी को 0.001 001 001 बराबर इधर कितना हो गया 1000x। ये फिर से देखिएगा तो 1+ ये सारा चीज़ यही तो है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे इसके बदले में क्या हो गया, x हो गया यहाँ से, इधर है 1000x। अब 1 इक्वल टू ही x जाके घटेगा तो इधर 1000x है, भाई चल जाएगा माइनस एक्स, तो 1 बराबर 1000 में से x में से 1x घटेगा तो 999x बचेगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं x बराबर 999 चल जाएगा नीचे, तो 1/999, हम पहले भी इसको हल करके यहाँ पर लिखे थे, बिना हल के लिखे थे 1/999, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो जिस जब दशमलव के बाद पूरा बार रहेगा तो उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। दशमलव के बाद अगर 0. मान लीजिए 245 है, पूरा बार है तो कोई दिक्कत नहीं है, 245 लिख दीजिए आप, बटे 1, 2, 3 ऊपर बार है तो 999 लिख दीजिए, हो गया। कटने वाला को कटा के छोटा कर देंगे, हो जाएगा। समस्या तब होता है ना जब यहाँ पर इस तरह का हो और 0.245 अब बार की ओर लगा है 5 पर, तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले सबसे पहले तो x मानेंगे, ठीक है, माना x मानेंगे। अब इसमें प्रयास करेंगे कि जो 24 जिस पे बार नहीं लगा है उसको हम क्या करें, अलग कर लें, ठीक है, अलग किया जाए। तो पहले इसको हम लिखते हैं 0.24, तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 5555 यही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इधर हो गया x, ठीक है। अब चूंकि 24 को अलग करना है तो यहाँ दशमलव के बाद ये दो अंक ले रहा है, तो इसमें दोनों पक्ष में 100 से गुणा कर देंगे, तो जैसे ही दोनों पक्ष में 100 से गुणा करेंगे दशमलव दो अंक चल जाएगा आगे, 100 में दो गो जीरो होता है, तो दो गो जीरो क्या करेगा, ये दशमलव को दो गो जीरो क्या करेगा कि इसको आगे उठा के डाल देगा, तो ये हो जाएगा 24.555555, इधर हो जाएगा 100x, ठीक है, दोनों पक्ष में 100 से गुणा किए हैं। अब इसको अलग करेंगे तो 24+0.5555 इधर हो गया 100x। अब 24 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.5 बार, क्योंकि 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 100x। अब क्या दिक्कत है, इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, ये तो आपका 5/9 है, ये क्या है 5/9, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 आप प्लस 5/9 है, तो 5/9 ना है, अभी इसको हल किए हैं, 0.6 लिखे थे, 0.7 लिखे थे, इसको हल किए थे, है 0.6 है तो 6/9 आया था, है 0.5 है बार है तो ये 5/9 आएगा, तो इधर हो गया 100x, ठीक है। अब 24 है प्लस 5/9 है, तो तिरिया गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 24 9 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, हासिल 3, 9 2 18 3 21, 216 और 5 221 / 9, इधर हो गया 100x। अब x का मान निकालेंगे तो 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 221/9 × 100 बराबर हो गया x। x का मान आ गया कितना, 221
100 में 9 से गुणा करेंगे तो 900, ठीक है। तो x का मान आ गया 221/900, मतलब कि 0.245 जो है कितना आ गया 221/900, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दशमलव के तुरंत बाद पूरी संख्या पर बार आया तो पूरा संख्या लिख दीजिए, आप बटा में दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगा है 9 9 9 लिख दीजिए, सिंपल है। हल करके लिखिए चाहे ट्रिक लगा के प्रयोग कीजिए, अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है तो इसको ट्रिक से बनाइए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ही सब झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसका क्या लगे ट्रिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मिटाएं। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि 0.9999... सातवां प्रश्न है कि 0.99999... को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। चलिए इसको तो हम करेंगे। आगे कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो पहले हम देखते तो हैं कि ये आ कितना रहा है, पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है, फिर हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि नहीं है ये तो बात का बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार लिख सकते हैं, 0.9 बार। और अगर हम अपने ट्रिक के हिसाब से समझें तो 0.9 बार को हम कहें हैं कि दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा उसको पूरा लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक पर ये बार लगा है उतना 9 लिखना है। तो 9 से 9 तो कट के 1 आ गया, 9 से 9 कट के क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब कि ये जो 0.9999999 आ रही थी 1 के बराबर आ रहा है, जो देखने में तो गलत लग रहा है क्योंकि 1 और 0.999 दोनों बराबर नहीं है। ये 0.9991 से क्या है, कम है, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तब देखते हैं कि इससे कुछ डिफरेंट जा रहा है कि नहीं। डिफरेंट कुछ नहीं जाएगा, 0.9 बार को सॉल्व करना है तो 0.9 बार को सॉल्व करेंगे तो इसको x मानेंगे, सिंपल है। 0.99999 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे दशमलव हमारा एक अंक आगे चल जाएगा तो 9.9999 होगा, इधर हो जाएगा 10x। अलग अलग करेंगे तो 9 प्लस 0.9999 अलग करेंगे, इधर हो गया 10x। और यही चीज़ तो हमारा देखिएगा, यही चीज़ तो है x, तो 9 आ प्लस इसको हम लिख देंगे x बराबर इधर 10x, तो 9 बराबर 10x, हाई x आके इधर घट जाएगा तो 9 बराबर 10 में से 1x गया तो 9x। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो 9 चल जाएगा नीचे तो हो जाएगा 9/9 और x का मान आ गया 1। x किसको माने थे भाई, हम तो x माने थे 0.9 को, इसका मतलब कि 0.9 है वो आ रहा है 1, और 0.9 का मतलब होता है 0.9999, ये तो 1 के बराबर आ गया। अब इसमें यही समस्या है कि 1 से थोड़ा छोटा होता है 0.99, तो हम अपने इसी उत्तर से थोड़ा सा क्या है आश्चर्यचकित हैं कि दोनों बराबर कैसे हो सकता है। एग्जैक्ट देखा जाए तो दोनों बराबर है नहीं, लेकिन ये सवाल बता रहा है एक बराबर है। लेकिन अगर हम राउंड फिगर में देखें तो 0.99 में, इसको राउंड फिगर में देखा जाए तो 0.99 में फिजिक्स में एक टॉपिक आता है जो अभी तो 9th के सिलेबस में नहीं है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। वहाँ पर आता है कि किसी भी संख्या को वैज्ञानिक विधि से कैसे लिखते हैं। तो वैज्ञानिक विधि से लिखने के लिए क्या करते हैं कि हम दशमलव की संख्याओं को बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के रूप में नहीं लिखते हैं, हम दशमलव की संख्याओं को क्या करते हैं, कुछ छोटा करके लिख देते हैं।
जब आप जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जब दशमलव की संख्याओं को छोड़ना होता है ना, छोड़ना होता है, तो वहाँ पर अगर देखते हैं कि कोई संख्या जिस अंक को मान लीजिए छोड़ना है दशमलव के बाद, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आ गया 2.34659, अब मान लीजिए कि हमको दशमलव के दो ही अंक तक इसका उत्तर लिखना है, दशमलव के दो अंक तक इसका उत्तर लिखना है, तो हम दशमलव के तीसरे अंक को देखते हैं कि तीसरा अंक पाँच से बड़ा है कि पाँच से छोटा है। अगर तीसरा अंक पाँच या पाँच से बड़ा है तो उसको एक मान के अगले वाले संख्या में जोड़ लेते हैं, तो 2.35, इसको एक मानेंगे अगले वाले में जोड़ देंगे। इसको तीन अंक तक लिखना होता तो हम इस दशमलव का चौथा अंक देखते हैं, और चौथा अंक इसका खुद क्या है, पाँच है, तो पाँच है तो पाँच को एक मान के में जोड़ देंगे तो ये 3 5 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पाँच से छोटा रहता तो हम इसको क्या कर देते हैं, सीधे सीधे उस अंक को छोड़ देते हैं, कोई अंक में बढ़ाते नहीं। जैसे दशमलव के इसके एक अंक तक लिखना होता, एक अंक तक, तो हम क्या करते, इसको हम देखते। तो उसी तरह अगर यहाँ पर हम इस अंक को छोड़ना चाहें, नाइन, हम दशमलव के दो ही अंक तक लिखना चाहें, तो तीसरा अंक को देखेंगे तो ये पाँच से बड़ा है, और पाँच से बड़ा है तो इसको जब छोड़ेंगे तो इसको एक मान के अगले वाला में जोड़ लेंगे। जैसे ही इसको एक मान के अगले वाला में जोड़ेंगे तो ये नौ में जब एक जोड़ेंगे तो दस हो जाएगा, तो दस होगा तो यहाँ पर हासिल एक बनेगा, और वो भी एक इसमें आके दस, एक जुड़ेगा इसमें तो ये भी नौ एक दस हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल एक बनेगा, अब वो हासिल एक जब जीरो में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा वन, और वन बराबर वन। तो एक तरह से देखें तो ये फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों लगभग बराबर हैं, मैथ के हिसाब से भाई बराबर नहीं है। ये 0.9 बार है ये लगभग वन के बराबर है, हम इसको एग्जैक्ट बराबर नहीं कह सकते हैं, ये लगभग क्या है, बराबर है, क्योंकि राउंड फिगर में इसको हम क्या मान सकते हैं, वन मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस प्रश्न में कहा है कि क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो बिल्कुल कोई भी होगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो बराबर नहीं है, हाँ लगभग लगभग में क्या है, बराबर है। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के जो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मैंने कहने का मतलब क्या है कि 1/17 को हमको क्या करना है, विभाजित करना है, और हमको ये बताना है कि कितने अंक के बाद ये दोबारा रिपीट होगा, मतलब कि ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ये अशांत दशमलव है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हमको ये बताना है कि जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कितने अंक के बाद यहाँ से संख्या क्या होगी, रिपीट होंगी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो पहले भाग किया जाए फिर हमको पता चलेगा कि कितने अंक के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो भाग की क्रिया हमको करना पड़ेगा, और भाग की क्रिया करने के लिए हमको जगह चाहिए, जगह के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम मिटाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। 1/17 में क्रिया किया जाए भाग का। चलिए तो हम भाग शुरू करते हैं 1/17 से, 17 से भाग शुरू करते हैं। तो देखिएगा 1/17 से भाग जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ाएंगे एक जीरो, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक और जीरो की ज़रूरत है, तो दो जीरो लगातार बढ़े इसीलिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव के पहले एक जीरो रख देते हैं, ठीक है, दशमलव के पहले एक जीरो रख दिया जाता है, और एक दशमलव से एक जीरो बढ़ा, एक जीरो और ज़रूरत था, तो हम चूँकि दो अंक जब भी लगातार लेते हैं तो एक जीरो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। पड़ा पड़ी 17 5 85 15 बचेगा, जीरो होगा। अब आठ बार में भाग कीजिए, तो 17 8 8 7 56 और 8 5 13 136, 17 8 136। आठ 7 56 और 8 8 5 13, चलिए घटाइए, 150 में से 136 घटेगा तो 14 बचेगा, ठीक है, एक जीरो लगा सकते हैं। फिर हम 8 बार में भाग करेंगे, क्योंकि 8 बार में 136 हो रहा है आपका, भाग घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 कट गया, एक जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं,
17 दुना 34, 6 बचा 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, 17 तिया 51 कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा, 60 में से 51 गया तो 9, 17 पचे 85 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 17 तिया 51 होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर 50 बचा है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, 17 तिया 51 होता है, 3 बार भाग नहीं जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, 17 दूना 34 कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 16 बचेगा, 1 जीरो और लगा सकते हैं, 160 हो गया, और 17 नवा कितना होता है, 153 चेक कर लेते हैं, 9 7 63 और 9 9 6 15 153 कोई दिक्कत नहीं है, 7 बचेगा यहाँ से, 160 में से 153 घटेगा तो 7 बचेगा, सिंपल भाग है, 0 बढ़ाइए, 17 तिया 51 17 चौको 68 2 0 हो गया, 17 एकने 17 3 बचा 0 17 एकने 17 17 34 नहीं हो सकता है, तो यहाँ से 13 बचेगा, 13 फिर 13 में भाग करेंगे, 13 तो 13 में भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 तो हम आराम से लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 130 और 17 पचे 85 17 8 136 होता है, तो 7 बार में भाग किया जाए, 17 7 तो 7 7 49 और 7 1 7 4 11 17 7 119 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, 3 में से 1 नहीं, यहाँ 2 होगा, 2 में से गया तो 1, यहाँ पर कट गया, 130 में से 19 घटा, एक केवल 11 बचा, 1 जीरो और लगा सकते हैं तो 110 होगा, और 17 5 85 17 6 6 7 42 और 6 1 6 4 10 17 6 102 110 में से आराम से 102 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 80 होगा, तो 17 5 85 होता है, 5 बार में भाग नहीं जाएगा, 17 चौको 68 4 7 28 4 1 4 2 6 68 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया तो 1, 1 0 आराम से लगा सकते हैं, 120 में भाग करेंगे तो 120 में भाग करेंगे तो 17 छक्के 102 कितना बचेगा, 120 में से 2 गया तो 18 बचेगा और भाग करेंगे तो 180 होगा, अब 180 18 कैसे बचेगा, 18 तो नहीं बचेगा, 17 7 देखिए 17 7 7 7 49 और 7 1 7 4 11 119 होगा, 119 में बचेगा कितना, 1 बचेगा, अब यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो तो बढ़ा सकते हैं लेकिन भाग नहीं जाएगा तो एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो जब 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा और फिर देखिए अब शुरू होगा फिर से इतना, फिर देखिए हमारा 100 आ गया है, यहाँ 100 था तो 100 से भाग किए तो इतना आया है, फिर ये 100 आया, फिर से भाग करेंगे तो ये जीरो है, यहाँ जीरो आ चुका है, फिर 17 5 85 फिर 15 होगा, फिर जीरो बढ़ेगा तो 150 होगा, तो फिर आपका 17 8 136 फिर यहाँ से भाग करना पड़ेगा, तो ये संख्याएं बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी, तो काफ़ी लंबा यहाँ पर अंक हमको मिल रहा है, देखिए यहाँ तक 7 तक और 7 के बाद फिर रिपीट होगा, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये बार बार रिपीट होगा, तो कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक तक, तो लगातार 16 अंक तक भाग गया है, उसके बाद ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है और भाग में बहुत महान कार्य नहीं हुआ है, भाग आप जानते हैं, भाग बस बढ़ाते जाना है, हाँ हमको वहाँ पर जाके देखना है कि ये किस कितने अंक के बाद ये संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है, तो यहाँ पर 16 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 100 से भाग देना शुरू किए थे, फिर हमको यहाँ पर क्या मिल गया, 100 मिल गया, और जब 100 मिल गया तो ये क्रियाएँ फिर दोबारा होंगी, ये कभी कटने का नाम नहीं लेगा नहीं, तो ये हो गया 16 अंक के बाद ये संख्याएँ क्या होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख लिए।
अब इसके बाद क्वेश्चन 9-10 को अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसी वीडियो को कंबाइन करके वन शॉट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।